ಅಗಡಿ ಬಲಿಗನಾಗದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆತ ರಾಖೆಗಣಾಗ ಬಗಾಬರು ಬಸ್ ವಾಯ್ಯಗಾಯೆ ಫಿಕ್ರ ಕರ ಉಚ್ಚಿ ರಾಖಿ ಸದಾ ಸೋಚ ಗಯಾ ಮಂಜಿಲ್ ಪೆ ಪಹುಂಚ. नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा से मनोज मोरे एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ये बिजनेस आइडिया बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस आइडिया के ऊपर हमारे एक्टर अक्षय कुमार जी भी फिल्म बना चुके हैं और उस फिल्म का नाम है पैडमैन। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा बिजनेस है। तो जिस बिजनेस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस बिजनेस आइडिया का नाम है स्नेटरी पैड वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन किसे कहा जाता है? जिसमें आप पैसे डालते हैं, कहीं पर भी आपने देखा है किसी चीज में आप पैसे डालते हैं मशीन में, उससे एक प्रोडक्ट बाहर निकलता है, वो प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात करूं तो ये जो आपका बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इस मशीन को आप कहां से खरीद सकते हैं, उनका नंबर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक भी दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखी है, वहां पर क्लिक करके इस मशीन को आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि कहां पर आप इसकी मार्केट कर सकते हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कहां पर इसे लगा के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, इस प्रोडक्ट से आप दो तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, पहला मशीन को बेचकर और दूसरा प्रॉफिट आपका रहेगा मशीनों को लगाकर। आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग जगह स्कूल कॉलेज इस तरह की जगह पे आप लगाकर इन मशीनों से पैसे कमा सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसका प्रोडक्ट का रिव्यू करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर जानेंगे मशीन किस तरीके से काम करती है, और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मशीनें कहाँ पर लगी हुई है और किस तरीके से लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये है वो वेंडिंग मशीन, और यहाँ पर मैंने स्नेटरी पैड्स भी ले लिए हैं, दो अलग अलग क्वालिटी के, और ये कुछ पैसे हैं। तो अब यहाँ पर मशीन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें दो रो होती हैं। उसका कारण क्या है कि आप अलग अलग क्वालिटी के स्नेटरी पैड्स रख सकते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट रो में 5 रुपए का पैड रखना चाहते हैं, सेकेंड रो में आप 10 रुपए का रखना चाहते हैं, तो ये इस वजह से बनाई जाती है। बाकी आप दोनों सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। हम इसके अंदर पैड लगाएंगे। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये लगभग 40 पैड की मशीन है, मतलब 20 पैड ऊपर की रो में आपके आ जाएंगे, 20 पैड नीचे की रो में आपके पास आ जाएंगे। आप अगर 60, 70, 80, 100 कितने भी पैड की मशीन ले सकते हैं, उसमें रेट में फर्क पड़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए किस तरीके से काम करती है। कुछ पैड्स मैंने ऊपर की तरफ रख दिए हैं और कुछ पैड नीचे की तरफ रख दिए हैं। इस मशीन के अंदर सभी फुली ऑटोमेटिक है, सब कुछ आपको दिखाएगा कि कितने पैसे आपको डालने हैं, कितना पेंडिंग रुपया रह गया है, पैड्स खत्म हो गए तो ऑटोमेटिक पैसे आपके बाहर आ जाएंगे। तो हम इस वीडियो में सब चीज देखेंगे। तो पैड्स डालने के बाद मैंने मशीन को बंद किया, अब देखते हैं हम ये काम किस तरीके से करती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ग्लास में से चेक करना है स्नेटरी पैड्स इसके अंदर है या नहीं है। मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएगा क्लिक करने के बाद कि आप पहले इसमें 5 रुपए का पैड है, 5 रुपए डालिए और 25 नैपकिन इसके अंदर अभी बचे हुए हैं। तो 5 का मैंने यहाँ पर अभी सिक्का डाला, तो जैसे ही हम यहाँ पर 5 रुपए डालेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो पैड्स नीचे गिर जाएगा उस रो में से, और हम नीचे से उस पैड्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें वो पैड्स मिल चुका है। तो यहाँ पर हम फुली फंक्शन इसके बताएंगे मशीन के बारे में आपको। अब बात करते हैं सेकेंड रो की। मान लीजिए सेकेंड रो में आपने रुपीज सेट करके 10 रुपीज इस रो के अंदर, तो हम सेकेंड रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें रेट मेंशन कर देगा कि इस रो के अंदर 10 रुपए का पैड है और 25 पैड अभी इसके अंदर बचे हुए हैं। तो अब देखिए, मैं मान लीजिए 10 रुपए दे 5 रुपए इसमें डालता हूं तो क्या होगा? तो जैसे ही मैं इसके अंदर 5 रुपए डालता हूं तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा कि अभी आपके 5 रुपए और रिमेनिंग है, आप बकाया 5 रुपए और डालिए तब आपको ये स्नेपट्री पैड्स मिलेगा। तो अब मैंने दोबारा से फिर 1 रुपए डाला तो टोटल 6 रुपए हो गया, तो ऊपर लिखा गया 4 रुपए अभी भी आपके पेंडिंग है। उसके बाद मैंने 2 रुपए इसके अंदर डाल के देखे, तो जब तक आप इसमें कंप्लीट 10 रुपए नहीं करेंगे तो वो आपको इस तरीके से बताता रहेगा। फुली ऑटोमेटिक ये मशीन है। साथ में आप कंपनी से ऐसे भी खरीद सकते हैं, फोन पे अगर कोई करना चाहते हैं, किसी के पास सिक्के नहीं है तो फोन पे से स्कैन करके बार कोड से भी पेमेंट कर सकता है। तो जब भी जैसी पूरी 10 रुपए इसके अंदर पेमेंट हो जाएगी तब हमें वो नैपकिन मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें वो पैड्स कलेक्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं, आप यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से पूरे 10 रुपए होने के बाद, अब मान लीजिए रो खत्म हो गई है, जैसे कि ऊपर की रो में आपको दिखाई दे रहा है पैड्स खत्म हो गए, हमने फर्स्ट रो पे क्लिक किया तो उसने बताया कि इसके अंदर पैड ही नहीं है, पहले आप इसमें पैड डालिए। तो मान लीजिए फिर भी मैं इसमें पेमेंट डाल देता हूँ, तो जैसे हम इसमें पेमेंट डालेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, पेमेंट नहीं लेगा, आपको आपके पेमेंट जो है, आपके पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे। तो ये सारा फुली ऑटोमेटिक मशीन है,
और इस मशीन के खरीदने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नंबर दिखाई दे रहा है, वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ से इस मशीन को आप खरीद सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए स्कूल में भी इसका यूज होता है किस तरीके से। ये पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, दो तरह की मशीन होती है, एक तो वेंडिंग मशीन जिसमें से स्नैपट्री पैड निकलता है, और दूसरी अगर मान लीजिए उसे यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, तो ये जो दूसरी मशीन दिखाई दे रही है डिस्ट्रॉय के लिए है। वीडियो के अंदर मैंने एक वीडियो के बारे में बताया, मगर आप कंपनी से जब बात करेंगे तो दूसरी मशीन को भी खरीद सकते हैं, जहां पर उसका भी प्राइस लगभग आपको 10 से 15 हजार रुपए के बीच में मिलेगा। तो दोनों की दोनों मशीन यहाँ पर आपने देखी कि स्कूलों के अंदर लगी हुई है। आप इस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते, कॉन्टेक्ट करके स्कूलों में, कॉलेजों में, या कोई भी ऐसे, या आपको लगता है मार्केट के अंदर, आप इस मशीन को वहां पर लगा दीजिए जहां पर पब्लिक की गैदरिंग ज्यादा हो किसी शॉप के ऊपर। तो वहां पर जब भी जैसे ही आएगा कोई कस्टमर, लेडीज आएंगी, तो वो उसको वहां से आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन के बारे में। इस बिजनेस को हमारी भारत सरकार जो है वो भी बढ़ावा दे रही है। आपने कई जगह देखा हो तो ये वेंडिंग जो मशीन है, सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन, ये कई आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगी। तो महिलाओं की सुविधा के लिए ये भारत सरकार इसके लिए कदम बढ़ा रही है, और अक्षय कुमार जी ने भी इसके ऊपर फिल्म बनाई थी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वेंडिंग मशीन की बात करी थी, अगर आपको सैनिटरी पैड्स की जरूरत पड़नी है, अगर आपको सैनिटरी पैड्स खरीदने हैं तो होलसेलर के नंबर भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, या फिर भी ना भी मिले तो आप अपने गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे www.indiamart.com, इंडिया मार्ट के ऊपर जाके आप सैनिटरी पैड्स होलसेलर लिखेंगे तो वहां पर काफी सारे होलसेलर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपने सैनिटरी पैड्स जो है वो 2 रुपए से लेकर 4 रुपए तक मिल जाएंगे। जितने का भी आपका सैनिटरी पैड्स पड़ता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, वो मशीन में आपको सेट कर देंगे। मान लीजिए आपको 4 रुपए का पैड पड़ा तो आप उसमें 10 रुपए की कॉस्ट सेट कर देंगे, ताकि एक पैड के पीछे आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हो, और जैसे ही उसमें कोई पैसे डालेगा 10 रुपए, तभी वो पैड बाहर निकलेगा। दो तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस से। पहला ये कि आप स्कूल कॉलेज जितने भी हैं वहां पर जाके इनके फायदे बताइए, उन्हें मशीन बेचकर जितना भी आपकी मशीन आई उसमें अपना मार्जिन सेट कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आपको मशीन बेचने की जरूरत नहीं है, उनके फायदे बताइए और उनको एक सुविधा मिलेगी, तो वहां पर उनके स्कूल या कॉलेज के अंदर आप अपनी मशीन को सेट कर देंगे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दोनों मशीनों की बात करें तो लगभग सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन वो 10 से 15 हजार के बीच में आती है बढ़िया क्वालिटी की, और अगर डिस्ट्रॉय मशीन की बात करें जिसमें हम पैड्स को जलाते हैं तो वो भी लगभग 10 से 15 हजार के बीच में आएंगी। दोनों मशीन की बात करें तो लगभग 30 हजार, मतलब कि 30 हजार रुपए के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और काफी अच्छा ये बिजनेस है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पूरी जानकारी एक बार जुटाएं, उस बिजनेस के रिलेटेड आपके आसपास की मार्केट कैसी है, रिसर्च करने के बाद ही अपना बिजनेस आप स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके आपके डाउट दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।